व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग आए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं अपने माकोट और मासी को। तो हम मासी को जाएंगे गाइस, मासी को जाएंगे। तो हाँ गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं, हमारा लुक देख सकते हैं, हम कुछ ऐसे रेडी हुए हैं घर के छत टॉप पे। ये देखो गाइस, घर से कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारे घर का कुछ फ्रंट व्यू है, और साइड व्यू की बात करी जाए तो कुछ ऐसा है। ये साइड व्यू हो गाइस, और ये बैक व्यू है। आपको थोड़ा जूम आउट, ये देखो गाइस, ये ना घर का हमारा बैक व्यू है। और सामने आप धुनी भी देख पा रहे होंगे, उधर हमारी धुनी है, और नीचे हमारा देवी मंदिर भी है। ये देखिए गाइस, हम आपको कल ऐसे घुमा रहे थे पूरा पूरा पहाड़ों के थ्रू थ्रू थ्रू। हमने कल आपको पूरा खेत दिखाए थे अपने, और उधर हमारे दादाजी का भी घर बन रखा है नया। गाइस वो रहे जो आप पिंकिश टाइप का देख सकते हैं गाइस, ये वाला। और बहुत लोगों का भी घर बन रहा है, और उधर ही कहीं उधर ही देवी थान भी है, मगर इधर से ना दिख नहीं पा रहा। और ये देखिए, और गाइस इधर वाले साइड व्यू की बात करी जाए, जैसे कि ये हमारा घर है आगे को, इधर की साइड व्यू की बात करी जाए तो इधर से ऐसे टॉप का है। इधर हमारे भैरू मंदिर है, बोलो भैरू बाबा की जय। और ये हमारे घर से आगे का व्यू है, साइड व्यू, ये देखो गाइस। और इधर हमारी छत है, ये टीन सेट वाली है, ये पक्की वाली है गाइस। ये जो अलग मकान है हमारे पापा जी ने बनाया है, आगे से देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है। और ये हमारा घर है, ये देखो गाइस। गाइस इधर ना भी चिड़िया की माँ जा रही है बार बार, फिर आवाज कर रही है, फिर चले जा रही है, अपने बच्चों को बता रही है कि इधर अभी ह्यूमंस है, अभी हम नहीं आएंगे। ये देखो गाइस आवाज कर रही है, यहीं पे है। मैं आपको एक बार तो दिखा के रहूंगा, गाइस आपको टेलर बर्ड दिखाते हैं। ये देखिए छोटी सी, देखो गाइस फुल प्यार की है, रस लेने उसका। ये देखो गाइस अब दिख रही होगी आपको, ये जब टेलर बर्ड को देख सकते हैं हम, ज्यादा तेज तेज नहीं बोल ले कि टेलर बर्ड भाग ना जाए। ये देखो गाइस, ये हमारे घर के आगे तिमिल का पेड़ हो रखा है, जिसको भी तिमिल का साग खाना हो आ जाओ गाइस खाओ। हिंदी में अंजीर बोलते हैं गाइस। ये देखो ये इधर देवी फूल हो रखा है गाइस, ये लो खा लो, ये लो खा लो, खाप ताड़ो खाप ताड़ो। और हाथ खा लो, ऐसे गाइस को दिखा के चिढ़ाता है। जाओ बिहाइंड द सीन, आजा भाई आजा आजा जल्दी आजा, खा लेते हैं ना, कोई खा जाएगा यार। हमारे घर के ऊपर ही तो हो रखे है, देखो गाइस हमारा घर है, ये हमारा भैंस मंदिर, ये हमारा रास्ता है, और इस पर ही हो रखे है हिसूल। मीठा हो रखा है यार बहुत। मैंने शाम को गाइस उधर से भी कोई जा रहा है मासी को। अभी हम अपने बूढ़ मकोट को जा रहे हैं, अभी हम जहाँ से हम पहले आए थे नीचे को, अभी हम उधर ही ऊपर को जा रहे हैं वैन में। हम अपने बूढ़ मकोट जाएंगे मासी में, तो अभी हम चले, आप देख सकते हैं इधर मम्मी है, इधर भाई है मेरे पीछे, और पापा भी है। कब हाय कर दो गाइस, इधर पापा मम्मी और भाई आ रहे हैं। वो तो कुछ उसको नहीं, आ जा मैं बताता रहूंगा गाइस। ये देखो कितना दाम है, इनको ना दाम बोलते हैं, ये ना बहुत महंगे बिकते हैं। काजू बादाम जो होते हैं ना, उसका उससे भी ज्यादा प्राइस होता है। ये इसके छिक्कल, छिक्कल को ऐसे करके निकाला, ठीक है गाइस। ये देखो मैंने छिक्कल साफ कर रखा है, फिर इसको गाइस ऐसे निकाल दिया। मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, जब हम घर खेत पहुंच जाएंगे फिर निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा होता है। बादाम देखो जूम करके दिखाओ, वो बहुत सारे लगे हैं। वो देखो पेड़ के जो फल लगा ना, चीड़ का पेड़ है तो उसको बोलते हैं श्योत, श्योत के अंदर होता है दाम, दाम के अंदर ही इसको बोलते हैं बादाम, जो बहुत महंगा मिलता है, 1000 रुपये किलोमीटर किलो का है एक किलो बादाम। और इनकी खीर बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी खीर होती है बादाम की।
ये देखो, ये है, ये हो रहा है, ये देखो कितना सारे बादाम है, और 1000 रुपये किलो है ये बादाम हाँ है ये गाइस ये। ये ऐसे दिखते हैं आओ इनका छिकल निकाल के। और ये देखो गाइस इनके अंदर को भी ये फोड़ना पड़ता है, फिर इनके अंदर का खाते हैं। ये जो आप ये बीज देख पा रहे होंगे ना मेरे हाथ में, इसको पहले फोड़ते हैं, ये बाहर से इसको फोड़ते हैं, फिर इसके अंदर का खाते हैं। अभी मैं आपको फोड़ के ये देखो, ये बहुत बहुत सारे बहुत हैं, बहुत सारे। हाँ गाइस आप देख सकते हैं, इधर मैंने इसको ऐसे करके फोड़ दिया अपने दांतों से, आप देख सकते हैं ये पिचक गया है, लेकिन लेकिन ये कुछ ऐसे टाइप के दिखते हैं। ये आप देख सकते हैं ये खाते हैं। अब मैं आपको खा के दिखाता हूँ। गाइस मीठा मीठा है, ये बादाम होते हैं। गाइस मज़ा आ गया। गाइज ये देखो, आज हमने पैदल जाने की सोची है, मासी तक आज पैदल जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है। अभी हम अपने अम्मा लोगों की दुकान वहाँ है, वहाँ हम बैठे हुए थे, ये देखो वहाँ पे हम बैठे हुए थे, अम्मा बुबू थे, 1 घंटा हमने बात करी अच्छे से। और अब देखिए, देखो इधर स्कूल के ये स्कूल आ रखे हैं हम बाहर से, और अंदर किसी ने गाय भैंस भी पाल रखी है, देखो पानी दे रखा है, और टीचर ये देखिए टीचर अंदर पढ़ा भी रहे हैं। अभी इंटरवल हो रखी है इनका, इंटरवल हो रखा है इनका लंच ब्रेक। और इसको दिखा, ये 6ठी क्लास हमारी यहाँ लगती थी, और जब मैं यहाँ हम प्राइमरी पे ऊपर था हमारा 5वीं क्लास था, तो 6ठी जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने इसमें पढ़ा था, 6ठी क्लास में हमारी 6ठी क्लास यहाँ थी इस वाला। आज ये टूट गया है, अब नया बन गया है, वो वाला स्कूल बन गया नया वाला, इंटर कॉलेज बन गया है। तो पहले हम इसमें पढ़ते थे, पुराने स्कूल थे, और अब वो देखो वो हम माया। और जब हम 8वीं में आया था तो मैं 8वीं क्लास में वहाँ पढ़ा था, यहाँ 2 ही साल पढ़ा था इसमें इसमें, और फिर हम उसमें पढ़ते। अरे बटन बाहर से गया, पानी नहीं लाया हम, नहीं है, है? इधर पापा जी पानी लेने जा रहे हैं, ये देखिए इधर इनके झंडा जी का होगा, जहाँ पे झंडा रहते हैं ध्वजारोहण होता है। और ये देखिए राजकीय विद्यालय मेरा गौक, और ये देखिए इधर पापा पानी भर रहे हैं। स्कूल के वाली तो मैं बच्चे पहाड़ के रहने वाला, अरे ओ मैडम दिल्ली वाली नीचे को। गाइस ये हमारे नाना जी की दुकान है, ये रहे हमारे नाना जी, यहाँ पे चाय पानी ब्रेड पकोड़ा समोसा हर चीज देते हैं। और हमारे नाना जी फेमस है मासी में समोसे की दुकान, समोसे बनाने में बहुत ज्यादा फेमस है हमारे नाना जी। आप देख सकते हैं इतनी सारी ज्यादा भीड़ हो चुकी है अभी के अभी। गाइस हमारे बुबू जी है, पहचान लिया तूने? नहीं पहचाना, मैंने तेरे से कहा था ऊपर तो तलाब हाथ हमारे यहाँ खा लेगा। चलो आओ, तो गाइस नाना जी की दुकान है, तो चलो समोसे ले लिए। नमस्ते, नमस्कार। ओ दादी दादी, और ये रही उनकी नंबर प्लेट। सीट बेल्ट नहीं पहनी थी इसलिए। और गाइस हम गुड़मकोट जाने के लिए इधर से अभी हम ले रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अभी हम। आप देख सकते हैं इधर आम है, किन्नू है, करेला है, भिंडी है, प्याज है। जो ये वाली रोड है ये मेरे गुड़मकोट को जाती है, और अभी तो हम उधर ही जा रहे हैं मेरे गुड़मकोट को। आप देख सकते हैं ये वाली रोड गुड़मकोट को जाती है मेरी डायरेक्ट सीधा जाते आते। और आप इधर दुकानें देख सकते हैं सारी, और गाड़ी भी है इधर, टैक्सी वगैरह। अगर आपको कहीं पे जाना हो मासी चौखटिया, आप इधर देख सकते हैं ये रही गाड़ियाँ। और गाइस ये मासी का बाजार है, और ये रोड यहाँ मासी से नीचे को जा रही है भिक्षाशन को, ये वाली ये देखो। और भिक्षाशन होते हुए यहाँ रामनगर, रामनगर होते हुए दिल्ली। अरे
सर अभी हम इधर से मिठाई लेंगे पहली दुकान से। आप देख सकते दुकान साफ नहीं आ रहा है, अच्छे से दिखा। इसमें ठंडा भी है, तेल भी है, घी भी है, और आप देख सकते हैं इधर सारे मिठाइयों के डिब्बे, इनके अंदर मिठाई भी है और इसके अंदर पनीर भी है और इधर बिस्किट्स भी है, और अगर आप इधर को देखोगे तो इधर जलेबी भी है ताजी ताजी, और इधर नमकीन वगैरह है, इधर टॉफी है, और आप नाम देख सकते हैं मनोहर स्वीट्स। और यहाँ से संपर्क करें, यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा हम मिठाई देते हैं, जब भी आते हैं माची से, दिल्ली से माची के लिए, और यहाँ से जब भी यहाँ की जाते हैं हम, अभी कोई कोई रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं तो यहीं से मिठाई लेते हैं और बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं, और थोड़ा डिस्काउंट भी ठीक ठाक लगा देते हैं, अगर उनसे कहो तो थोड़ा डिस्काउंट सही लगा लेते हैं। और ये देखिए गाइस, ये आ चुके हैं हम मासी बाजार में, अभी हम जा रहे हैं अपने बूढ़ माकोट को, अपनी बूढ़ नानी से मिलने, नानी से मिलने, दूसरी वाली नानी से मिलने, और अपनी मौसी जी से मिलने। ये देखिए क्या लेने जा रहे हैं भाई, आइसक्रीम खाओगे? ये देखो गाइस, बेल का जूस। क्या खरीद रहे हो, आइसक्रीम खरीद रहे हो? गाइस मम्मी जी को भी बहुत आइसक्रीम की भूख जैसी लग रही है, लेते हैं वो। देखो ट्रिपल रोमांस, वो खाना था वो, अरे अरे वो तो पिघल जाएगी जाते जाते घर पर। हम दुकान में आ रखे हैं सॉफ्टी खाने के लिए, बहुत पहले। ये देखिए ये बहुत पहले से दुकान है, कितने साल, 32 साल हो गए इस दुकान को, ये दुकान के मालिक हैं। ये देखिए हाँ, सबसे पहले आइसक्रीम इन्हीं दुकान पर आई थी। ये देखो इधर सॉफ्टी मिलती है, इनका फ्रिज है। ये भैया जी इधर सॉफ्टी बना रहे हैं। ये देखिए इधर मम्मी भाई और हम सॉफ्टी खा रहे हैं इधर। ये देखो ये आगे के चल रहे हैं और आइसक्रीम खाते हुए, ये मासी का बाजार है, नीचे से दिखाया हो आ रहा, मैं आपको पूरे मार्केट दिखा रहा हूँ ये, और बादल लगे हैं, धूप होगा भी कम है बहुत, कल बारिश हुई है काफ़ी, परसों भी बारिश हुई है, मौसम ठीक ठाक है, उतना गर्मी नहीं है और ठीक ही है। और ये यहाँ की मार्केटिंग है, ये देखो मार्केट ये, और बने रहे मेरे ब्लॉग पर, देखो कितना अच्छे मार्केट है, पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, नीचे से लेके ऊपर तक काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, बहुत अच्छे लोकेशन पर मार्केट है मासी का। ये देखो कितनी मस्त है, वाह। ये देखो आइसक्रीम खाते हुए, आइसक्रीम का नज़ारा लेते हुए, यहाँ पर है मार्केट ज़बरदस्त है, यहाँ पर सारे बर्तन मिल जाएंगे आपको, लोहे की कढ़ाई, स्टील के सारे बर्तन, जो भी आपको किसको चाहिए, उच्चे दाम नहीं, सस्ते में मिल जाएगा, अच्छे मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। और ये देखो इतने बड़े बड़े पतीले हैं खाने बनाने वाले, तो शादी शादी ब्याह में है, और ये जनरल स्टोर है, यहाँ पर आपको सारी वो मिल जाएगी, उल्टी रोकने दवाई, वाह दवाई लचे रहे, जो गाय जो जो उल्टी हो मेरे बच्चों को होते हैं उल्टी वाली दवाई यहीं से ले जाएंगे हम, जब जाएंगे तो वाह वाह नहीं करी लियो। और ये छे लूट, ये घा लूट लगा रही स्टोर का बधर रहा घा, ये देखो ये घास स्टोर करके लगा रखा है, और ये देखो गाड़ियाँ हैं, और ये है यहाँ का कैनरा बैंक मासी में, ये कैनरा बैंक आपका स्वागत करता है मासी बाजार में, मासी ब्रांच ये देखो यहाँ मासी ब्रांच में, यह कैनरा बैंक, और यहाँ पर है एटीएम, खर्च खर्च नोट निकालो, यहाँ पर एटीएम लगाओ, घसा घस निकालो नोट, 500 के नोट निकाल, घसा घस। शादी हुई थी और आज फिर अब प्रवेश हुआ हूँ मेरे को यहाँ, अच्छा बहुत इतना अच्छा लगने लगा कि मैं बार बार यहीं आ जाता हूँ, हर महीने मैंने यहीं आने लग गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ।
और ये देखो कितना अच्छा मकान है, कितने कलरफुल है। ये मशीन द्वारा सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये जो मशीन है आप देख सकते हैं, अभी इनने इधर ये सारी लकड़ियों को प्लेन कर रखा है, फिर इनसे फर्नीचर बनाया जाएगा। पहले क्या करते थे ना, इसमें रंधा मारते थे, रंधा सा करते थे, आरिश का काम करते थे, तो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। तो ये नई नई मशीनें आ गए हैं, उनके द्वारा क्या है कि एक दिन में बहुत सारे बना देते हैं। अगर एक ये यही दरवाजे को अगर यही संगाड़ को बनाते थे तो पहले एक दिन लग जाता था इसको फिनिशिंग करने में, इसमें करने में रंधा मारने में बहुत टाइम लगता था। और गाइस आप आज के नए जमाने में तो ये मशीन आ गई। मैं अभी एक महीना 15 दिन पहले आया था इसी मकान में, और ये मकान मेरे को इतना प्यारा लगता है कि इतना अच्छा लगता है कि फिर मैं आ गया हूँ। पता नहीं यहाँ से दिल्ली नहीं हटता मेरे, जाने का नाम नहीं लेता है। फिर आ गया हूँ, यहाँ शादी थी, और जो शादी थी वो मेरी साली जी की शादी थी, और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मेरी साली भी आई होगी शायद यहाँ, और साली को भी दिखाता हूँ। उस दिन साली का डेकअप कैसा था, आज कैसा डेकअप है। और ये आगे जाते हुए सीढ़ी में, और ये देखिए यहीं आए थे हम उस दिन, मैंने आप दिखाया सब लोगों का कैसा कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है करके। और ये देखो, और ये हमारी मामी जी, प्रणाम प्रणाम करते हुए, ये सासू माता हमारे। और ये देखो जी, और गाइस अभी हम अपने बुढ़ों को पहुंच चुके हैं, इधर लाए आगे हैं। हमारा मान सम्मान अच्छे तरह से हो रहा है यहाँ। देखो अब सासू जी, और जो सासू जी अब यहाँ ये पता नहीं नाश्ता लग रहे हमारे लिए, शायद समोसे लग रहे हैं। हाँ ये देखो समोसे डाल रहे हैं हमारे लिए, और ये हैं पहाड़ी बादाम, ये देखो जो दाम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उनको बादाम, और शौक के हैं ये दाम, और आप बन गए हैं बादाम। हमें ठेठा भी ला रखे हैं गाइस, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये ठेठा भी ला रखा है गाइस, उनके अंदर से ही आते हैं दाम, उनके अंदर से आते दाम। ये छे भगवान जी, ये है इनका मंदिर, ये देखिए मंदिर है इधर, ये इधर मंदिर का सामान रखा है, और इधर किचन, किचन में तो अभी कुछ दिखेगा नहीं, और फिर भी दिख रहा है, ये देखो साफ दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे चमक रहा है सारा किचन में, बर्तन तन लगा रखे हैं यहाँ, और मेहमान ला रही था, मेहमान ला आधा खाते था लागण जा, मैं बस धरी रहो किचन में साफ आ जाओ दाह आने पर। और ये देखो मेहमान का स्वागत स्वागत करते हुए सासू जी ले आए हैं फेंटा, ये देखो ये अलग फेंको पा कैसे खोनी पा कर, ये देखो ये है इनका कमरा। और आमला जथा आने ला, आमला कभी जा रहे हैं काम हम पा जान है ता क्या कहा है। ये देखो ये लो छो बिस्तर लग रही था, ये लग रही ये लो उधर में बैठा रहता था हम इतनी सीम छी। और ये है इनका ये वाला कमरा, यहाँ भी इतना सामान हमारा रखा है, अलमारी हमारी सोना चांदी सब इसी में है, और ये इसमें बहुत सारा सामान रखते हैं। ये डेकर का यार पंखा हंखा सब कुछ लगा के बैठे, अच्छा है। एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरे, बहुत सारे कमरे हैं। हमारी 50 किलो के दो दो कट्टे ले आई, और आप देख सकते हैं गेहूं है 50 किलो का, 50 किलो का, 50 किलो का। गाइस ये तीनों 50 किलो के ही है, 150 किलो के हो गए गाइस। लूट लो, लूट लो, लूट लो, लूट लो गाइस, एक और कट्टा आ रहा है, लूट लो अभी। मम्मी इधर इधर, हमारे मामा जी आ चुके हैं कट्टा उठाने के लिए। जब हमारी नानी ला रही 50 किलो का कट्टा, नानी तीन कट्टे लाई, और भाई नानी तीन कट्टे लाई, 150 किलो नानी लाई टोटल, लेकिन एक साथ नहीं लाई, एक एक करके लाई, 50 किलो लाए। मौसी खाली आई, घूमने गई।